बेटी, तुझे ये अचानक 1 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? धनराज चाचा, एक बहुत अच्छा बिजनेस करने का मौका मिला है और डॉक्टर हाथी तो 10 दिन के लिए मेडिकल सेमिनार के लिए महाबलेश्वर गए हैं और मुझे पैसों की जरूरत आन पड़ी है। बट बेटी, तुम तो जानती हो कि... अरे चाचा, आप जो ब्याज मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस 1 महीने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। पर बेटा, पैसे मैं ऐसे नहीं देता हूँ। मैं समझ गई चाचा, 1 मिनट। ये लीजिए गहने, गहने के बदले मुझे पैसे दीजिए और 1 महीने बाद मैं आपके पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। देखो बेटी, पैसे तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो भी करना सोच समझ कर करना, समय बहुत खराब है। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। थैंक यू। बबीता, अरे कुछ तो बोलो बबीता। देखो, मिसाल बनाने में हमको जितना मेहनत नहीं करना पड़ा, उतना तुमको मनाने में मेहनत करना पड़ता है। देखो बबीता, अब क्या टच भी नहीं करने का, हाँ? अरे कुछ तो फ्रीडम दो हमको। आप मुझे देते हो फ्रीडम? देखो बबीता, देखो बबीता, इस पूरे सोसाइटी में तुमको जितना फ्रीडम है ना, उतना किसी को भी नहीं है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, दे सकते तो मुझे बताओ। देखो देखो बबीता, देखो 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 बबीता, देखो ऐसा है, उस फालतू स्कीम के लिए मैं इतना बड़ा रकम तुमको नहीं दे सकता। अच्छा, फालतू स्कीम है वो ना? हाँ। कोई बात नहीं, मैं पैसे किसी और से ले लूंगी। हाँ? वैसे जेठा जी, बबीता, कितना लाख चाहिए तुमको? 1, 2, 3, 4, 5 बोलो। माय स्वीट हस्बैंड, सिर्फ 1 लाख रुपए। हाँ? दोगे? दे देता हूँ। गुड बॉय, बाय। हेलो कोमल भाभी, काम हो गया। कोमल बेन, अरे पैसों का क्या हुआ? 2 दिन हो गए, सुंदर अब वापस जाने की बात कर रहा था। अरे नहीं नहीं, पैसों का बंदोबस्त तो हो गया है। हाँ, अच्छा, और बाकी सबका? रोशन ने सोड़ी को पटा लिया है और बबीता का भी काम हो गया। लेकिन भिड़े भाई ना बोल रहे हैं, लेकिन माधवी भाभी जरूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगी। अच्छा, और अंजलि जी? उनका इंटरेस्ट कुछ कम लग रहा है। हा? क्या सबका फायदा होगा और मेहता भाई का नहीं? अभी इनके दोस्त को फायदा नहीं होगा तो ये बुरा मान जाएंगे। मैं मेहता भाई को मनाती हूँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी जी। अरे जल्दी चलो। क्या जल्दी चलो, आदमी हूँ मशीन नहीं हूँ। एक तो इतनी शॉपिंग, ऊपर से 5 किलोमीटर से पैदल चलवा रही हूँ अंजलि। hey, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, पता है ना? हाँ। मेरे ख्याल से तो इंसान को जैसे मौका मिले चलते रहना चाहिए। हाँ। इससे 2-3 फायदे होते हैं। हाँ। हेल्थ अच्छी होती है और रिक्शा के पैसे भी बच जाते हैं। और कुली के भी। वही तो। क्या वही तो, कुली नहीं हूँ मैं, रखो ये। थक गया हूँ यार बुरी तरह से। हाँ। इतना चल के थक गए। चलो जी, मेहता साहब ये आपने क्या कर दिया? सॉरी दया भाभी, जरा बैग दे दो भाई वापस। इतना बड़ा पाप, अब टप्पू के पापा के दोस्त है ना? दया भाभी, जेठालाल मेरा दोस्त है, इसमें मैंने पाप क्या कर दिया? दोस्त है पर दोस्ती निभानी नहीं आती है। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे दोस्ती के लिए लोग क्या क्या करते हैं पता है? स्कूल में मैं मेरी बेस्ट बैंड पड़ी झमकुड़ी को मेरा पूरा टिफिन दे देती थी। हाँ तो बात क्या है, पराए अपने हो जाए और अपने पराए हो जाए तो कैसा लगता है? जवाब दो, कैसा लगता है? बुरा लगता है, पर कौन अपना कौन पराया? एक एक करके सब लोग मेरे वीरा की स्कीम में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरे लोग पैसा कमाए और आप हमारे अपने टप्पू के पापा के जिगरी दोस्त पैसा ना कमाए तो मुझे दुख नहीं होगा? होगा कि नहीं, जवाब दो। होगा, बहुत होगा। बस तो आप भी 1 लाख रुपए लगाकर 1 हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख कीजिए, ठीक है? ठीक है। अब अगर आप कहती हैं तो फिर ठीक है भाभी।
काम हो गया। देखिए आपका भी फायदा ही होगा, मेरा वीरा सबका भला ही चाहता है। अच्छा ले भाई सोडा यार। अंकल जी कैसे हैं? अब्दुल आज तुम्हारा सोडा का टेस्ट ठीक नहीं है। अय्यर साहब सोडा कंपनी से आता है, आपका मूड ठीक नहीं है। अरे अब्दुल सिर्फ अय्यर साहब का नहीं, सोसाइटी में किसी का मूड ठीक नहीं है आज। क्यों? मत पूछ भाई। ओए अब्दुल परा 1,00,000 रुपया ले आ यार। क्या? क्या? ओ सॉरी यार, एक सोडा बना। हाँ वही मैं कहूँ, वरना ये सीधा साधा आदमी 1,00,000 सुन के अटैक आ जाएगा इसे। ओ यार ये जेठालाल, उसकी वजह से पूरे 1,00,000 रुपए दाव पर लगाने पड़ेंगे। और उसका साला सुंदर, हम लोग उसकी स्कीम के बकावे में नहीं आए तो हमारी बीवी को ही बका दिया। अब चिल्लाने से क्या फायदा सोढ़ी, मेरी तो बीवी छोड़ो, मैं तो खुद बहकावे में आ गया। 1,00,000 मुझे भी इन्वेस्ट करने पड़ रहे। अयो वो बबीता अभी हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करवा रही है। वाह यार, ये जेठालाल की वजह से ना हम सारे बर्बाद होने वाले हैं। एक काम कर, सोडा पी ले। ठंडा हो जा। अरे थैंक यू पिड़े परा यार। माफ करना यार, लेकिन आप लोग इतने नासमझ कैसे निकले जो अपनी बीवियों की बातों में आ गए? अब मुझे देखिए, मेरे और माधवी के इस केस में विचार बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हमने 1 सिंगल रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल बकवास स्कीम है ये। बाकी ये सुंदर बड़ा स्मार्ट निकला, आप लोग यहाँ पर सोडा पी रहे हो और वहां पर आपकी बीवियां उसके हाथों में 1,00,000 रुपया थमा रही होगी। ये बिड़े यहाँ तो वैसे ही गम गलत कर रहे हैं और तू जले पे नमक छिड़क रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना दया, मुझे तुम्हारे भाई के स्कीम में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मगर हमारी सोसाइटी के सभी लोग मेरे भाई को 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको क्या तकलीफ है? कौन है वो लोग? हमारी सोसाइटी की औरतें। ये सुंदर तो बड़ा गिलिंडर निकला, सोसाइटी के मर्दों के सामने उसकी दाल नहीं गली तो सारी औरतों को बाटली में कर दिया। उसने नहीं, मैंने है? मैंने गारंटी दी है और मेरे भरोसे पर वो पैसे देने वाली है। दया आपको मेरे भाई पर भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो अपने भाई पर भरोसा है। दया ये तुम्हारा भरोसा एक दिन तुम्हारे गले का फंदा बन के अटकेगा ना, तब तुमको पता चलेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको पैसे ना देने हो तो जब सोसाइटी की सभी औरतें यहाँ पर आए ना तो आप अंदर ही बैठे रहना, बाहर मत आना। कोई बार बार आने वाला नहीं है, जा। बेना। हाँ आई। एक तो कुछ देते भी नहीं और ऐसे बड़बड़ करते रहते, सब ऐसे थोड़ी होता है। हाँ क्या है सुंदर? बेना अभी तक सोसाइटी की बेने आई नहीं। हाँ हाँ वो आती होंगी, तू धीरज रखना। बेना मुझे 2 घंटे में अहमदाबाद के लिए निकलना है। हाँ हाँ पता है मुझे। हम लोग आए अंदर बहन अभी। अरे आ गए सब, आइए 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 भीड़े बहन, आइए हाथी बहन, आइए आइए बबीता जी, आइए बैठिए, हम लोग अभी आपकी बात कर रहे थे। आइए आइए आइए, अरे बबीता जी आइए 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 बबीता जी, कब आए पता नहीं चल रहा। बैठिए बैठिए, अरे बैठे ही है। क्या लेंगे? 3,00,000। हफ्ते बाद की बात कर रही हूँ, आपके भाई 3,00,000 देंगे ना हमको? हाँ, पर उसके पहले आपको मुझे 1,00,000 तो देने पड़ेंगे ना। ओ कम ऑन, उसी के लिए तो हम आए हैं। ये लीजिए। न्याय मारा 1,00,000 रुपया छे, मैं सोडी जी को बहुत पटाके लेकर आई हूँ। हाँ फिकर मत करना, बाद में तो उनको फायदा ही है ना। सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। अरे हाँ हाँ अंजलि जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मेरा भाई आपको 1 हफ्ते में 3 गुना फायदा करवाएगा। और ये मेरे भी 1,00,000। हाँ हाँ लाइए। अरे माधवी जी। हाँ भिड़े भाई तैयार हो गए 1,00,000 रुपए उनके लिए? नहीं ये तो मैं अपने भाई के पास से लाई हूँ। अरे अब तो आप लोग लखपति बन जाओगे। लखपति नहीं, लखपत्निया। दया जी। बबीता जी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर
आपको ऐसे मन से इच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का तो मत कीजिए। अरे वाह जेठा जी, आप तो बड़े सेल्फिश निकले। खुद तो अपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर लिए और मेरा प्रॉफिट होने से मुझे रोक रहे हो। हमने कहाँ वेस्ट किया है? अरे दया दया दया, बराबर बोल रही है बबीता जी, हमने तो किया ना इन्वेस्ट, हमने भी किया बराबर है। अरे रीजा जी, आपने कहाँ पैसे दिए? अब पैसे दे दो तो मेरा हिसाब हो जाए। दया ने नहीं दिए पैसे। नहीं भूल जा रही, बहुत हो भुलकनी है। बहुत भूल जा, कोई बात नहीं, मैं अभी अंदर से निकाल के दे। आपने भी नहीं दिया ना, आपके मेरे ऐसे साथ में देते हैं पैसे। आप बैठना, जाना मत। हाँ भैया जी, ये मेरे पैसे रखिए। देखिए सुंदर जी, मैं अपने पति से बहुत लड़ झगड़ कर रूठ मना कर ये पैसे लाई हूँ। हाँ हाँ सुंदर भाई, मेरे भाई ने मुझ पे भरोसा रख के मुझे पैसे दिए हैं और मैंने दया भाभी पे भरोसा रख के आपको पैसे दिए हैं। अरे भीड़े बहन, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, ये दया की जुबान है। मुझे अहमदाबाद में मेरे माँ की नाक नहीं कटवानी है। सुंदर भाई, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है। उम्मीद मत रखिए। हाँ? अरे प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए कि कहाँ पैसा खर्च करना है। लाओ बेना पैसे। पर जीजा जी, आपके पैसे? मेरे मेरे पैसे ये लाइक। दिए ना सब लोगों को शुक्रिया। अब हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी जगह जेठालाल के घर में। तब तक आओ जो। ओके थैंक यू। चलिए अब तो फायदा ही फायदा है। सब खुश हो जाएंगे। चलो ये क्या, ये मेरी भाइयाँ क्यों फड़क रही है? वो भी सुंदर को 1 लाख देने के बाद ये फड़कना शुरू हो गई। इसका मतलब कहीं शेयर बाजार तो नीचे नीचे ही जा रहा है। चाय दिख रहा है। वो सुंदर का फोन आया कि नहीं? आया नहीं, पर आ जाएगा। लो आ गया, 100 साल जिएगा मेरा वीरा। हेलो बोलो वीरा। अरे वीरा नहीं, चंपक बोलू। बापूजी कैसे हो? मजे में। तुम सब लोग कैसे हो? सब मजे में। और मेरा टप्पू कैसा है? अरे रोज आपको याद करता है। और वो बाबू चक? सामने ही बैठे हैं। हेलो बापूजी, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। लेकिन तू अब तक घर पे ही है? दुकान पे नहीं गया, सो रहा था क्या? अरे नहीं नहीं बापूजी, मैं तो तैयार हो गया हूँ, बस दुकान ही जा रहा हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। अच्छा कभी आ रहे हैं आप? अरे हम सब लोग है ना, यहाँ से शनि सिंगड़ापुर, त्रंबकेश्वर, नासिक सब होते हुए आएंगे मुंबई हैं। और आने से पहले मैं फोन कर दूंगा। ओहो बापूजी, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ रखता हूँ। हाँ हाँ अच्छा हुआ बापूजी का फोन आ गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। हाँ वही, बापूजी का फोन तो आ गया, लेकिन ये सुंदर का फोन अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो अहमदाबाद पहुँच गया होगा। अरे आएगा, वो सफर में थक गया होगा तो सो रहा होगा, उठ के फोन करेगा आपको। एक काम कर, तू ही अहमदाबाद फोन करके पूछ ले। ठीक है। कहाँ जा रही हो? फोन फोन यहाँ है। अरे मैं ही तो लाई थी, मैं ही भूल गई क्या मैं भी। हेलो माँ कैसी हो? अच्छा जरा सुंदर को फोन दो ना। क्या वो अभी तक नहीं पहुंचा? अच्छा वो घर पर पहुंच जाए तो मुझे फोन करवाना। मुझे मालूम ही था, देखा
ये ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखा देखा उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है, मुझे मालूम था उसका अभी कोई फोन नहीं आएगा। दया वो गया सोसाइटी वालों के पैसे लेके 1, 2 का 4 हो गया। अरे क्या आप भी मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो? अरे यहाँ से वो सानंद पैसे देने के लिए गया होगा और काम खत्म होते ही आपको खुशखबरी का फोन करेगा। ठीक है मैं दुकान जाता हूँ, लेकिन सुनो हाँ। उसकी कुछ खबर मिलते ही मुझे फोन करके बता देना। हाँ हाँ। अरे रोशन कल सारी रात तुम सो नहीं पाई होगी ना? कम ऑन शर्माते क्या हो, हमारे पैसे जो एक हफ्ते बाद 3 गुना होने वाले थे ना उसकी बात कर रही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, 1 हफ्ते में 1 लाख के 3 लाख। अगवाई लेकिन ये 3 गुना हो जाएंगे ना? अरे हाँ माधवी भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं, हमारे पैसे 100% 3 गुना होंगे। देखो बहनो, जिसमें 3 गुना होने की बात हो ना उसमें मुद्दल भी कभी कभी गायब हो जाता है। अरे हाँ? मेरा सगा भाई उसके जीजाजी का 1500 रुपए लेके चूना लगा के भाग गया, अभी बताओ अभी वापस ही नहीं आया। अरे नहीं रे नहीं, हमारे पैसे हमको जरूर मिलेंगे, हमको तो दया भाभी ने गारंटी दी है ना। हाँ सही है, मैं तो पैसे मिलते ही इनके लिए नया स्कूटर खरीदने वाली हूँ। अरे पता है मेरे पापड़ और अचार की डिलीवरी के लिए उनको वो खटारा स्कूटर पे जाना पड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मेरे ये पैसे आ जाएंगे ना तो मेरा भी एक सपना पूरा हो जाएगा। कौन सा? पेरिस जाने का। वाह! मुझे जब ये पैसे मिलेंगे ना तो मैं अपने ही घर में एक क्लासी सा हेल्थ क्लब खोलूंगी। ओहो। प्राइवेट। अरे जेठा भाई जेठा भाई हा? मुझे एक LCD टीवी लेना है। बस उसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए दुकान पे, एक से एक बढ़िया पीस है, दिखाता हूँ। 1 हफ्ते बाद आऊंगी। क्यों 1 हफ्ते बाद? वो सुंदर भाई 1 हफ्ते बाद 1 लाख के 3 लाख करके लाएंगे ना, इसीलिए। हाँ वो भी बराबर है। क्या आप कोमल भाभी, ले लो ना LCD। सुंदर जब पैसे लेकर आएगा ना तो जेठा भाई उसमें से टीवी का पैसा ले लेंगे। अभी क्या अभी थोड़ी जेठा भाई तुमसे पैसे मांग रहे है ना जेठा भाई? आप भी बराबर बोल रहे हैं, पर मैं क्या बोलता हूँ कमल भाभी, आप अगले हफ्ते ही आइए। क्या है अगले हफ्ते लेटेस्ट पीस आ रहे हैं दूसरे नए वाले, तो आपको क्या अच्छा नया माल मिल सकता है ना। थैंक यू। ओके। देखा देखा भगवान, सब सुंदर की वजह से कितने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, मुझे पूरा शक है कि इनके सपने सच, शायद नहीं मतलब बबीता जी का सपना तो चलो मैं भी पूरा कर सकता हूँ और कर भी दूंगा, लेकिन बाकी सबके सपने, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरा शौक गलत हो और इनके सपने सुंदर हो, मतलब सच हो। थैंक यू सो मच मेरे साथ आने के लिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं ठीक है? अरे क्या बताऊँ अंकल, मंदी, ये मंदी की वजह से इस बार दिवाली इतनी ठंडी गई कि बात मत पूछो, अरे पटाखे की दुकान भी कम थी इस बार तो। जेठा जी, बबीता जी। अंकल आप निकलो, मंदी ऐसी रहेगी हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, चलो। और बताइए बबीता जी, मेरे लायक कुछ काम काज? वो सुंदर को गए हुए 3 दिन हो गए ना। कौन सुंदर? आपका साला। हाँ वो साले को गए हुए 3 दिन हो गए। अब तक तो उन्होंने प्लॉट खरीद के पेमेंट भी कर दिया होगा ना। ना या हाँ? हाँ हाँ। ओके। वैसे मानना पड़ेगा, आपका साला है बहुत स्मार्ट। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग। वैसे उनके पास कुछ और स्कीम भी है कि सिर्फ ये एक ही है?
जहाँ तक मुझे पता है लेटेस्ट में तो ये एक ही स्कीम है। okay. और कोई स्कीम है क्या? नहीं, वो आप उसको ही पूछ लेना अगर वो वापस आए तो। मतलब जब भी वो आए तभी पूछ लेना। ओके okay. अब तो सिर्फ 4 दिन बाकी है। किसके लिए? उन्होंने कहा था ना कि वो 7 दिन में 3 गुना ज्यादा पैसा लेके वापस आएंगे। 3 दिन तो हो गए, अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। 4 दिन बाद मेरे 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो जाएंगे। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। बाय। ओके। बेचारी बबीता जी कितनी खुश हो रही है, और ये गधा सुंदर उसका कुछ अता पता ही नहीं है। दया, क्या जड़े भाई, सुंदर भाई कैसा है? मालूम नहीं भाई। बड़े कितनी दया, सुंदर का फोन आया कुछ? बाद में मिलते हैं। आया फोन सुंदर का? नहीं। तो उसका फोन नहीं आया, उसकी खुशी में क्या सबको मिठाई बांट रही है क्या आप भी? अरे ये दिवाली की मिठाई 6 दिन से घर में ऐसे ही पड़ी है, और घर में कोई खाने वाला तो है नहीं, तो मुझे लगा कि बाहर फेंकने से अच्छा है कि हाथी भाई को ही दे दूं, वो तो खा ही जाएंगे। मैं कब से बेल बजा रही हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लगता है सब लोग बाहर गए हैं। ए बारवाड़ी, अगर जल्दी ये सुंदर का फोन नहीं आया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तुमको पता है जब भी मैं सोसाइटी में आता था ना पहले, तो लोग मुझे पूछते थे जेठा भाई कैसे है, अरे जेठा भाई क्या हाल है। अभी लोग सुंदर के बारे में पूछते हैं मुझे। देखा देखा, मेरे भाई को सब लोग कितना याद कर रहे हैं। वो याद इसलिए कर रहे क्योंकि सब लोग ने उसे 1-1 लाख रुपया दिए है। अब यो बिचारी बबीता जी मुझे मिली थी, कितने उत्साह से राह देख रही है सुंदर की, कह रही है 4 दिन बाद मेरे 1-3 लाख हो जाएंगे। उनको क्या पता, इधर तो सुंदर का अता पता तक नहीं है। क्या आप भी हमेशा मेरे भाई पर शक करते रहते हो? अभी 3 ही दिन हुए है ना, 4 दिन तो बाकी है ना, शांति रखिए, वो आ जाएगा, मिठाई खाएंगे। मुझे क्या हाथी समझे? सॉरी। चल अभी चल, इधर ही खड़े रह के हंसना है क्या? हंसने भी नहीं देते। नॉनसेंस। ओ पिड़े, 5 दिन हो गए हैं, सुंदर ने अपना प्लॉट तो खरीद लिया होगा ना? सोड़ी, जब से सुंदर गया है तब से उसका एक फोन नहीं आया है, पहले से ही मैं इस स्कीम के खिलाफ था। ओ यार, मेरी भी गड्डी चंगी पली चल रही थी, ये रोशन ने पता नहीं स्टेयरिंग इस पासे क्यों घुमा दी थी। और मुझे कहां पता था कि माधवी मेरे साले से पैसे मांगकर इसमें इन्वेस्ट कर देगी। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए ना सोड़ी, तो ससुराल में इस शिक्षक की नाक कट जाएगी। वाह वाह वाह, शिक्षक आत्माराम भिड़े साहब, तब तो यही खड़े होकर बड़े भाषण दे रहे थे। क्या आप लोग बहुत ना समझो, बीवियों की बातों में आ गए, मेरे और माधवी के विचार तो देखो कितने मिलते जुलते हैं। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। अरे मेहता साहब, पत्नी के विचार आज तक कभी किसी पति से मिले है? मेहता सर, ये लीजिए, ये भाई, ये लीजिए, ये आप लीजिए, ये भी लीजिए। वो है कि है बिल। लेकिन अब्दुल, तुम तो हमेशा 1 तारीख को बिल देते हो ना? हाँ, लेकिन हालात का तकाजा ये कह रहा है कि आज ही वसूल कर लूं बिल, कल का कुछ भरोसा ही नहीं। अब्दुल, कल तुमको कुछ होने वाला है क्या? मुझे तो नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूर होने वाला है। ए अब्दुल, पहेलियां मत बुझा, हम लोगों को क्या होने वाला, और जरा खुल के बता क्या कहना चाहता है तू। देखो, आप लोग ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वो 100% डूबने वाला है। कल आप लोग दिखेंगे नहीं, इसलिए सोचा आज ही वसूल कर लूं। अब्दुल, क्या बोल रहे हो? ओए शुभ शुभ बोल। ए अब्दुल, जरा अपनी जुबान को लगाम दे, तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, और आप लोग भी समझो इसके कहने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, साले का फोन। वो सुंदर का है? जेठालाल के साले का नहीं, मेरे साले का फोन। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सुंदर का फोन अभी तक आया नहीं है? अरे भेड़े ब्रदर, ऐसा पता थोड़ी चलता है, तुम डरो मत, उठाओ फोन, उठाओ तुम फोन उठाओ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है भिजवाता हूँ मैं। वो पैसे मांग रहा था क्या? अरे नहीं, उसके घर में पूजा है तो उसको चांदी की थाली चाहिए थी। ओ, ऐसे ही डर गया था। मेहता जी, ये हमारा पैसा 3 गुना तो हो जाएगा ना? अरे अय्यर साहब, मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ, मुझे क्या पता पैसे कितने गुने होंगे, और 3 गुने का मुझे क्या मालूम। लेकिन एक बात जरूर है,
अपने पैसे डूबेंगे नहीं, ये गारंटी जरूर दाया भाभी ने। वही ऐसी बात है तो मेरी तरफ से सबको एक एक और सट्टा। दया भाभी से बात कौन करेगा पैसे के बारे में? हाँ यार। ओ कम ऑन, मैं बात करूंगी, इसमें डरती क्या हो, आखिर हमारे मेहनत के पैसे हैं भाई। चलो। हाँ, चलो। अरे दया, अरे दया ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले अहमदाबाद फोन कर, 7-7 दिन हो गए अभी तक सुंदर का अता पता नहीं है। लगाती हूँ। जल्दी लगा, जल्दी लगा, चल। बटन। हाँ कैसी हो? हाँ हाँ, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अरे नाश्ता छोड़ो ने, वो मेन बात पूछो। एक मिनट ला इधर। माँ, सुंदर के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा ना? सब एक साथ में। बबीता जी, वो मेरा शर्ट का बटन अचानक टूट गया, वो ऐसा सोफे के नीचे चला गया, तो वो ढूंढ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप जरा घर के कामों में उनका यू नो हाथ बटा रहे हो। नहीं नहीं माँ, मुझे तो सुंदर की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेहमान आया है। मुझे तो ये सब परवड़ता ही नहीं, क्या मुझे दुकान जाना होता है ना। आई आई। अरे क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक सुंदर का कोई अता पता नहीं है, मतलब गए पैसे। आप क्या पूरा दिन पैसा 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 करते रहते हो? अरे कभी ना कभी पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, करोड़ों रुपए लेकर थोड़े ना गया है मेरा भाई, 6-7 लाख रुपए ही तो लेकर गया है। ए महारानी, तुम्हारे लिए 6-7 लाख रुपए 6-7 रुपए के बराबर होंगे, इनसे पूछो इनसे। ये भीड़े भाभी बिचारी अपने भाई से 1 लाख रुपए लेकर आई थी, अब ये क्या जवाब देगी अपने भाई को? और ये रोशन भाभी, सोडी भाई को ऐसे मना कर फुसला कर लेकर आई है, सोडी भाई का दिमाग तो मालूम है ना तुमको, कैसा गुस्सा हो जाते हैं, अब क्या जवाब देंगी ये भाभी? और बिचारी बबीता जी, उनका क्या कसूर है? अड़िया लैया और सांप जैसे वो हस्बैंड से ऐसे मना कर फुसला कर रूठ कर झगड़ा करके लाए, है ना, ऐसे लाई ना। बिचारी क्या जवाब देगी ये भाई को? बबीता जी आप चिंता मत करना, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे बोलना, मैं आऊंगा अय्यर भाई को समझाने के लिए, बेफिक्र रहो, आधी रात को भी आऊंगा मैं। नॉनसेंस बोला था तुमको, मत पड़ो ये चक्कर में, पूरी सोसाइटी के सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। नॉनसेंस, देखा हम लोगों ने, देखा कैसा डांट कर चले गए, इनको तो बस पैसा 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 ही दिखता है। अब आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ कहा? कुछ कहा? कितने शांत खड़े हैं। और ये है कि आप भी बताइए, पैसा बड़ा है कि भाई? बोलिए, पैसा बड़ा है कि भाई? भाई तो भाभी, आप तो कुछ बोली नहीं। हाँ, मैं कहाँ कुछ बोलने वाली थी, कोमल भाभी आप बोलने वाली थी ना। हाँ। मैं कैसे बोलती? क्यों कैसे बोलती? ओ कम ऑन, हमारी मेहनत के पैसे वगैरह। हाँ, पर वो जेठा भाई और दया भाभी कैसे झगड़ा कर रहे थे? यू नो, हमारी पतियों की बात एकदम सही थी, हम लोगों ने ना जीत करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब हम क्या करें यार, ये सुंदर हमें मिलेगा कहाँ? क्या पता हमारे पैसों का क्या होगा। अरे क्या पता। Oh my God. Good morning. क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई हंस क्यों नहीं रहा? अरे आए जॉनी, माधवी भाभी तो जोर जोर से रो रही है। माधवी भाभी, आपको तो पता है ना कि सुबह सुबह हंसने से मन की सेहत बनती है और रोने से जी हल्का हो जाता है।
आज 8 दिन हुए, वो सुंदर का कोई पता नहीं। अरे गलत है यार, पर हमें सुंदर का पता लगाएंगे तो कैसे? कैसे कैसे सपने दिखाए थे उसने हमें। अरे यहाँ हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब देंगे? ओ माय गॉड, मैंने मेरे गहने गिरवी रखे हैं। क्या क्या? अगर डॉक्टर हाथी को पता चल गया तो? अरे आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने भाई से पैसे मांग के लाई हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? देवा, उस सुंदर को फोन करने की सद्बुद्धि दे देवा। अरे सिर्फ फोन करने की नहीं, हमारे सबके पैसे प्रॉफिट के साथ लौटाने की सद्बुद्धि दे। एक मिनट, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, हम कुछ सोचते हैं। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपका हॉट चॉकलेट। थैंक यू। अरे एक मिनट भाई, इतनी जल्दी में कहा? हॉट चॉकलेट तो ठीक है, लेकिन सुंदर को गए हुए 10-12 दिन तो हो गए है ना, अब तक उसे आ नहीं जाना चाहिए था। आ जाएगा, मेरी बात हो चुकी है भाभी से, डोंट वरी। अरे लेकिन 7 दिन की बात थी अंजलि, 7 दिन से 12 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो गए? ओहो, 12 दिन में 2 दिन के बैंक हॉलीडे तो गिनो। अंजलि मैंने सब चेक किया है, पूरे 12 दिन में एक भी बैंक हॉलीडे नहीं था, और संडे भी कुल मिला के एक आया है। अंजलि मैंने तुम्हारे कहने पे, दया भाभी के कहने पे उस सुंदर को इतने सारे पैसे दे दिए, जो सारे मेरे दिवाली का बोनस और सेविंग के पैसे थे। क्या बोनस करते हो, बोनस पे भी बोनस मिलेगा, पैसों की चिंता छोड़ो, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, इसी बात की तो चिंता और टेंशन है अंजलि। क्या टेंशन करते हो, हो सकता है कि हमारे प्लॉट के दाम बढ़ गए हो तो हमारे काम के लिए रुक गए हो। चलो बहुत पॉजिटिव सोच रही हो, मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हुआ हो। आई होप सो। पर तुम इतने टेंशन में कहाँ जा रही हो? लाफ्टर क्लब। हंसो थोड़ा और। अंजलि आंटी, ये आप क्या कर रहे हो? हम लोग हंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें क्यों लग रहा है कि आप रो रहे हो? यही तो एक स्टाइल है। सोनू, तू घर जा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हो। नहीं बेटा, देखो हम सब हंस रहे हैं। हंसो। लगे कि सुंदर कब आएगा। वही तो, सच बताऊं मैंने तो आज घर पे झूठ कहा कि सुंदर 1-2 दिन में आ जाएगा, पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। पर कब तक झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी तो हमारे पतियों को सच्चाई का पता लगेगा ही ना। हाँ आज दया भाभी से बात कर ही लेते हैं इस बारे में। यस। ये वो देखो, दया भाभी इधर ही आ रही है। आ रही थी हंसने के लिए हम पर हैं? देखो दया भाभी, बुरा मत मानना लेकिन आज 12 दिन हो गए हैं, और सुंदर 7 दिन का ही कह के गया था। हाँ। हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब दें? आप लोगों को अपने पैसों की पड़ी है, यहाँ सुंदर ने मेरी माँ को मुंह तक नहीं दिखाया। अब आप लोग ही बताइए, आपका भाई ऐसे गुम हो जाता तो आप क्या करते? तो मैं उसे 2 झापड़ मारती। है? अरे पर उसके लिए मिलना भी तो चाहिए। ऐसे गुम हो गया है, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है। माँ, माता जी, मैं तो इतनी ही प्रार्थना कर रही हूँ कि पैसे मिले या ना मिले, मेरा सुंदर लौट आए बस। बाद में दूंगी। पैसे मिले ना मिले सुंदर लौट आए, ये क्या बात हुई? दया भाभी को कुछ बताने जाओ ना तू वही रोने लगती है। अब क्या करें हम? एक बात कहूँ,
मुझे लगता है कि हमें हमारे पतियों को सच बात बता देनी चाहिए। कैसे बताओ? रोशन सिंह कितना गुस्सा करेगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, आप अपने पतियों को लेकर ना मेरे घर आ जाओ, हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी दुविधा को वो समझेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आज सुंदर को गए हुए हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। सबको क्या जवाब दूंगा मैं? बबीता जी का तो मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। मेरे इतने सालों की मेहनत ये सुंदर की वजह से पानी में मिल जाएगी। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सुंदर। अरे सुंदर, तू कहाँ है भाई, किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर गया, एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? तो अभी क्या किया मैंने? अरे अभी क्या कर रहा हूँ वाड़ी, तू गया उसको हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी याद है फोन करने का? देखो जीजा जी, आप कुछ मत बोलो, मैं जितना बोलता हूँ ना वो सिर्फ आप सुनो, क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी बैलेंस बहुत कम है। और ये क्या, आप बार बार घर पे फोन करके माँ को टेंशन क्यों देते हो? अरे उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाते हो? अरे मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे आप पे विश्वास रख के मैंने अपनी 1 करोड़ की बहन दी है। तो एक काम कर भाई, 50 लाख में बहन वापस लेके जा। वो स्कीम शादी के बाद सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड थी। आपकी शादी को कितने साल हुए? पता नहीं, शायद 13-14 साल हुए होंगे। तो शर्म नहीं आती है रिफंड मांगते हुए? अब तो पेनल्टी क्लॉज भी लग जाएगा। ए भाई, तू बात को किधर से किधर लेके जा रहा है, मेन बात पे आने है। तू सोसाइटी वालों के पैसे 3 गुना करके 7 दिन में इधर आने वाला था के नहीं है? तो अभी तक क्यों नहीं आया? डील हो जाए तो आऊं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि प्लॉट का मालिक जो किसान है ना, उसने मेरे सिवा और 5 लोगों का भी टोकन लेके रखा है। तो अभी? अभी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो, सबसे पहले टोकन मैंने ही दिया है, तो प्लॉट तो हमारा ही है। बस एक बार लिखा पट्टी हो जाए ना तो प्लॉट अपना, प्लॉट को बेच के मैं सीधा ही बम्बई आ जाऊंगा। तो ये लिखा पट्टी करने में और कितना टाइम जाएगा भाई? सच बोलूं तो जीजा जी, होने को तो 1 दिन में भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो 1 साल भी लग जाएगा। 1 साल? अरे 1 साल तक मैं यहाँ सबको क्या जवाब दूं? देखो जीजा जी, यहाँ पर मैं संभालता हूँ, वहां पर आप संभालिए। हेलो सुंदर, हेलो सुन, 1 साल? हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने पहले ही ना कहा था कि लालच बुरी बला है। अगर ये नालायक सुंदर समय पर नहीं आया ना, तो मेरी नाक तो ससुराल वाले के सामने कटी जाएगी। ओए रोशन, एकी की तातुसिया। बबीता, व्हाट इज दिस? I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। रोशन, मैं तुमको अब कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूंगी। I'm sorry। देखिए, आप कहो तो लालच बुरी बला है, इस विषय पर 10 बार निबंध लिख कर दे दूं। अब क्या फायदा उसका, एग्जाम तो हो गई ना। एक मिनट, अब एक दूसरे पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? अब क्या किया जाए वो सोचो ना। अरे करना क्या है अंजलि भाभी, उस 420 सुंदर को, मेरा मतलब है सुंदर को फोन करते हैं। जेठालाल से नंबर ले लो भाई। एक मिनट, मेरे पास नंबर है, लिखिए 9825001045। फोन लगाओ जरा। फोन हमने किया तो सही था, पर स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। सॉरी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हम सब बात करने की, देख तो प्लीज। लग गया। हाँ। हेलो। हेलो सुंदर, सोडी बोल रहा हूँ यार। हेलो सोडी भाई, फोन में मेरा बैलेंस बहुत कम है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अरे वो उस बेचारे के मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है, कह रहा बाद में फोन करेगा। सोडी तुम भी ना यार बहुत भोले हो। अरे तुमने उसे फोन लगाया है, उसके लिए इनकमिंग कॉल है, और इनकमिंग कॉल में पैसे या बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक कह रहे हो आप, मैं दोबारा उसको फोन लगाता हूँ। फिर से लगाओ। डायल ही कर देता हूँ। हेलो। हेलो सुंदर, सोडी प्रा बोल रहा हूँ। हेलो 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 सोडी भाई, यहाँ पे पेड़ बहुत है, आपके टावर कट गए थे, एक काम करो
फोन ही काट दिया, कह रहा दो दिन बाद फोन करना। वो दो दिन तक हम लोग यहाँ करेंगे क्या? अरे नाटक है सब नाटक, उसके देखना हम सबके पैसे खा जाएगा वो। और ये जेठा प्राजी को ऐसा पाजी कहाँ से मिला? अरे वो जेठा भी तो ऐसा ही है ना, पैसों के मामले के अंदर जेठा का व्यवहार बिल्कुल ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करता ऐसे। ठीक है मेहता साहब, लेकिन वो सुंदर 7 दिन का बोलकर गया था, 12 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। हाँ अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास करने को बचा क्या है अय्यर साहब, सिर्फ इंतजार, क्योंकि इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। ओ छड़ना यार, जेठा प्रा से जाके बात करेंगे। किस बारे में? ओ पैसे के बारे में। अगर तुम जेठालाल के पास पैसे लेने जा रहे हो तो मैं नहीं चलूंगा। क्यों? हाँ आप उसके दोस्त जो ठहरे, ठीक है हम सब जाके बात करते हैं, आप बताइए। सही कह रहे हो भिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जेठालाल मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसके पास सुंदर की गलती के लिए पैसे लेने नहीं जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। आइए देखिए, घर जाना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, बेकार में दया भाभी रोने लगेंगी, फिर जेठा जिन पे चिल्लाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स राइट। तो गोगी को भेज के बुलाएं? नहीं नहीं सोड़ी, वो ऐसे नीचे नहीं आएगा। तो सोड़ी एक मिनट यहाँ। अरे हाँ। आप सब लोग जाइए, मैं सोड़ी और अय्यर साहब हम लोग जेठाल से बात करते हैं। ओके। माधवी जरा हमारे लिए चाय रखना प्लीज। हेलो। हाँ जेठा प्रा, सॉरी बोल रहा हूँ, और जुआ खेलने का प्रोग्राम है यार। हाँ क्या बात करते हो? से रेत लेनी है। अच्छा तो बोलो बोलो किधर मिलते हैं? अच्छा गार्डन में मिलना, शायद गार्डन के लिए रेत लेनी। अच्छा हाँ तो अभी पहुँचता हूँ मैं। हाँ आया आया आता हूँ। ये सोनी भाई आ गया। ये क्या भिड़े भाई को भी जुए का चस्का लगा दिया? अच्छा अच्छा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। चलो बोलो किधर बैठना जुआ खेलने को। ओ जेठा प्रा वो पैसे? हाँ पैसे लेकर आया हूँ। नहीं हमारे पैसे। क्यों भाई, तुमको जुआ खेलना है तुम अपने पैसे से खेलो, तुमको मैं पैसा क्यों दूं? जेठालाल जुआ खेलने के लिए नहीं बुलाया तुमको, सुंदर जो हमारे पैसे लेकर भाग गया है ना उसकी बात करने के लिए बुलाया। अच्छा तो ऐसे चालाकी करके तुमने मुझे इधर बुलाया है? एक सीधा साधा व्यापारी आदमी दुकान में पूरा दिन मेहनत करके थक हार के घर पे आता है, उसको ऐसे उल्लू बना के तुम लोग परेशान करते हो? जेठालाल जुआ खेलने में तुमको परेशानी नहीं होता है? नहीं होती है, जुआ मेरे लिए शक्तिवर्धक टॉनिक है, जुआ खेलता हूँ तो मेरी सब थकान दूर हो जाती है। बोलो और कुछ बोलना है? जेठालाल वो सब बातें छोड़ो, हमने अभी तुम्हारे साले सुंदर को फोन किया था, उसकी आवाज तो हमको आ रही है लेकिन हमारी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। तो टेलीफोन कंपनी को कंप्लेन करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? ओए जेठा प्रा वो सब छोड़, तेरे साले सुंदर ने कोई प्लॉट प्लॉट खरीदा कि नहीं? अरे फिर वही बात, तुमको क्या मैं रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र लगता हूँ? मुझे क्यों सब पूछ रहे हो? देखो जेठालाल सुंदर तुम्हारा साला है। अच्छा ले मुझे तो पता ही नहीं था। जेठालाल मजाक छोड़ो, हम सभी ने हमारी मेहनत की कमाई में से 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। अगर उसका कोई आता पता नहीं है तो हम लोग तो तुमसे ही पूछेंगे ना। क्यों, उसको 1 लाख रुपया देने के टाइम आपने मुझसे पूछा था? उल्टा जब तुम लोग उसको मिलने आए तब मैंने तो ऐसा करके मना किया था तुमको। हाँ इसीलिए हम सब भी वो स्किन सुनकर चले गए थे, लेकिन दया भाभी ने वापस हम सबकी बीवियों को बुला लिया था। हाँ और दया भाभी ने तो गारंटी भी ली थी। हाँ मुझे तो लगता है इन सबकी मिली भगत है ये। जेठालाल हमको तो हमारे पैसे चाहिए बस। ठीक है तो जिसको दिया उसके पास जाकर मांगो। जेठालाल देखो देखो बहुत हो गया, अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे।
या भीड़े, तुम एक कच्ची व्यापारी को धमकी दे रहे हो। जाओ, जो करना कर लो, पुलिस में जाओ, जिधर जाना उधर जाओ, जाओ। मैं नहीं देता पैसा, जाओ। अरे तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख फंस गया, उसका क्या? ओए, वो सब हम नहीं जानते। कल सुबह तक हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना 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 ठीक नहीं होगा। मम्मी, दादाजी आ गए। अरे धीरे बेटा, धीरे। अरे बापूजी आप आ गए। जीवती रे, ये ले बहू। हाँ। ये शिरडी का प्रसाद है। हाँ। और टप्पू पूरी सोसाइटी में देना। दादाजी अभी देख रहा हूँ। ये भाई, तेरे बाप की तरह उतावला मत बन। अरे कल सुबह दे देना है बहू। हाँ बापूजी। जीठा कहाँ है? बापूजी वो कुछ जुहू पर रेत लेने जाने की बात कर रहे थे। ए? पर बापूजी आपने आने में बहुत दिन लगा दिए। अरे वो क्या हुआ ना बहू, कि हम लोग एक आश्रम में रुके थे तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि सोचा कि थोड़े दिन और रुक जाए। हैं? अच्छा बापूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। एक काम कर, अदरक वाली चाय बना दे। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ, हाँ। दया, दया बोलो। क्या बोलूं सुंदर की बहन? जो भी कहो सुंदर के जीजू। तुम्हें क्या लगता है, हा? मेरी दुकान में नोट छापने की मशीन है? हे मां, माता जी, ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस तो मुझे पकड़ के ले ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारा घन चक्कर भाई सुंदर यहाँ चक्कर चलाकर जो रफू चक्कर हो गया है, उसकी वजह से मेरे यहाँ सोसाइटी वालों के साथ टक्कर हो गई है। सब पैसे मांग रहे अपने, कहाँ से दूं मैं पैसा? चलो मैं अपना नुकसान तो उठा लूं, लेकिन सोसाइटी वालों का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? कहा था ना मैंने तुमको बताया था ना, इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। तब क्या कहा था तुमने? अब ज्योतिषी हो अब देखिए ज्योतिष की भविष्यवाणी सच हुआ कि नहीं सब। लेकिन मेरा सुंदर तो सबको फायदा करवाना चाहता था। ए फायदा वाली, तुमको सबके पैसों की गारंटी लेने की क्या जरूरत थी? अब तू देगी पैसा? मेरे गहने बेच दो। खबरदार खबरदार, अगर तुमने गहनों को हाथ भी लगाया तो वो गहने तुम्हारे ये सुंदर वीरा ने नहीं दिलवाए, मैंने दिलवाए, मैंने। मेरा सुंदर, अरे तेरा सुंदर तो छछुंदर की तरह बिल में जाके छुप गया कहीं। उसके बिल में सांप छोड़ने चाहिए, सांप, तब वो निकलेगा बाहर। तुम्हें पता भी है कुछ, सोसाइटी वाले मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हैं। अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चल तुम्हारी नानी के यहाँ। पापा, नट्टू काका को बोलकर फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूँ? चुप रहे छोटी दया। ए भाई, क्या हो रहा है? ये क्या? आप कहाँ से आ गए? अमेरिका से। हैं? या बाबूचक, सीढ़ी गया था तो सीढ़ी से ही आऊंगा ना। मेरा मतलब है आप कब आए बाबूजी? अभी अभी आया हूँ। वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता बहू को क्यों डांट रहा है? सुंदर है? वो अपनी स्कीम का झांसा देकर मेरे और सोसाइटी वालों के पैसे लेके गुम हो गया है। 12 दिन हो गए बापूजी। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिश्तेदारी में पैसों का व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब बहू को डांट के क्या फायदा है? जाके सुंदर को डांट। बापूजी उसके लिए सुंदर मिलना तो चाहिए। चुप रे बाबू चक कहना। अरे बापूजी, बैठिए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेहता साहब, इसमें सारी गलती दया की है। क्या जरूरत थी उसे सबकी गारंटी लेने की? वो क्या आरबीआई है? अभी उसकी वजह से सोसाइटी वालों के साथ मेरा खामखा झगड़ा हो गया कि नहीं? जेठालाल, अभी जो भी हो, मैं किसी को पैसा देने वाला नहीं हूँ। जिसको पुलिस में जाना है जाए। ऐसा नहीं होता जेठालाल,
सारी उम्र इन लोगों के साथ रहना है, इनसे लड़के रहोगे तुम। अरे तुम्हारी वजह से पैसा दिया इन्होंने, क्योंकि सुंदरलाल तुम्हारा रिश्तेदार है। तो ठीक है, मैं सबको आधे पैसे दे देता हूँ। देखो ऐसे मामले में तो अक्सर सेटलमेंट ही होता है, हैं? चाहिए तो लो वरना भूल जाओ। जेठालाल देखो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो अगर ये लोग पुलिस में जाते हैं तो सुंदरलाल को कौन जानता है यार, वो तो अहमदाबाद में रहता है। जानते हैं तुम्हें लोग यार, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी गुडविल है, इज्जत किसकी खराब होगी तुम्हारी, लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं। अब देखो इस मामले में तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है, मुझे लगता है कि वो पैसा जो सोसाइटी वालों ने सुंदरलाल को दिया है वो पैसा अब तुम इन्हें चुका दो। 5 लाख? अरे करोड़ों की इज्जत के आगे 5 लाख की क्या बिसात है। ठीक है दे देता हूँ सबको अपना अपना लाख लाख रुपया। इस बार ये सुंदर ने 5 लाख का चूना लगा दिया मुझे। मेहता साहब आपके कहने पर मैंने सबको पैसे लौटा दिए। अरे वाह वाह जेठालाल, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मेरे कहने पे आपने सबको पैसे लौटा दिए, इसीलिए आप मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। बहुत बढ़िया किया आपने। चलो लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब चाहो दे देना। अरे बाप रे, आपके पैसे तो भूल गए। डोबी इधर खड़ी है, याद तो दिलाना चाहिए। मैं क्या मुझे। अरे कोई जल्दी नहीं है। नहीं 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 मेहता साहब, व्यवहार व्यवहार है, दोस्ती दोस्ती। अरे खरे यार। नहीं नहीं आप कुछ मत बोलो, आप रख लो। खड़ी रहे इधर, खड़ी रहे। कहाँ था इतने दिन तक, हैं? कोई अता पता नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, हैं? हो गई तेरी लिखा पट्टी? वो तो हो गई, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। देखा देखा, मैं बोल रहा था ना कि ये गड़बड़ी करने वाला है, तब तू मुझे क्या बोल रही थी? आप खामखा मेरे भाई पे शक कर रहे हो। देखा अब मेरा शक सच में बदल गया कि नहीं? चुप रे, इतने फोन टंगे मत कर। चाइनीज। अरे तू क्यों चुपचाप खड़ा है ज्वेल थीफ, बता क्या गड़बड़ हुई है? जीजाजी आपका बोलना खत्म हो जाए तो मैं कुछ बोलूँ ना। हो गया खत्म? हो गया, बोलो। जीजाजी सब लोगों का 1-1 लाख का नुकसान हो गया। अच्छा हुआ ना हमने अपने 1 लाख रुपए पहले ही वापस ले लिए, वरना जेठा प्रा की वजह से हमारा कितना नुकसान हो जाता। अच्छा देखा, सब लोगों ने अगर 1-1 लाख रुपया दिया है तो 1-1 लाख का ही नुकसान होगा ना भाई। जीजाजी आप समझे नहीं, सब लोगों को प्रॉफिट में लॉस हो गया है। क्या था, सब लोगों ने मुझे 1-1 लाख रुपया दिया था, उसका 3 गुना होने वाला था, उसकी जगह 1-1 लाख रुपए के सामने उनको सिर्फ 1-1 लाख रुपया मिला है। आप समझे, मतलब कि आपके 6 लाख के हो गए 12 लाख रुपए। मैं लेके आता हूँ, ये लीजिए आपके 6 लाख के बदले 12 लाख रुपए। वो 12 लाख इधर लाओ। ये मेरा अकेले का फायदा है, क्योंकि ये लोग तो अपने अपने 1 लाख रुपया मुझसे वापस ले चुके हैं। देखा देखा, आप लोगों ने मुझसे लड़ने झगड़ने नहीं आए होते तो आप सबको आज 1-1 लाख रुपए का फायदा हुआ होता। अरे दया खड़ी के, आरती उतर, इसकी आरती उतर। क्या अभी तो आपने आरती उतरने को मना किया था? अब मैं ही बोल रहा हूँ, इसकी आरती उतर। अरे वाह मेरा साला, वाह सुंदर वाह, तू बहुत होशियार है, तू बहुत तरक्की करेगा। वाह वाह वाह, बोले बड़ा तरक्की करेगा, बड़ा होशियार है, तो पहले इसे बेवकूफ कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? आप तो वाह, मजाक मजाक कर रहा था।
अभी एक जीजा एक साले के साथ मजाक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ए? कर सकता है। अच्छा ऐसा तो काम कर, तू भी मुझे बेवकूफ बोल दे, बस फिटनेस हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपको कैसे बेवकूफ बोल सकता हूँ? क्यों, आप तो पहले से ही बेवकूफ है। मजाक मजाक फिटनेस मजाक 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 कर साला जीजा। अरे अभी खड़ी क्या है दया, इधर घर पे चल चल जल्दी। अरे खड़ी क्या, चल। नहीं अब ये सब बहने, अरे उनके लिए ही बोल रहा हूँ दया, घर पे चल और इसमें से अपने हाथ से 1,00,000 रुपया निकाल के ये सब बहनों को दे दे। तूने इनकी गारंटी ली थी ना? हाँ। तो दे दे इनके फायदे के 1,00,000 रुपये। क्या? हाँ। सच? हाँ। मैं व्यापारी जरूर हूँ लेकिन किसी के सपनों का व्यापार मैं नहीं करता हूँ। अरे इन बहनों ने कितने बड़े बड़े सपने देखे, तो अपने हाथ से तू इनको 1,00,000 रुपया दे ताकि अपने सपने पूरा कर सके। हैं? अब सच में बड़े दिल वाले हैं। वो तो जैसा मेरा शरीर वैसा मेरा दिल। अब सब लोगों ने 1,00,000 रुपये तो कमा लिए, अब आप सब लोगों को 10,00,000 रुपये कमाने। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। ओ भिड़े भाई, सुबह सुबह क्या बात है? आओ आओ भिड़े भाई आओ। अरे बैठो बैठो भिड़े भाई, आइए भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आइए आइए बबीता जी, आप भी आए? ले वो तो मुझे पता ही नहीं। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। बैठिए। और मैं भी आया हूँ। अरे ले ये तो दिखे ही नहीं। नमस्ते। अरे यार भाई को नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते। जी रखो थोड़ा। आप भी बैठेंगे? हाँ। ओहो किधर बैठेंगे आप? आप इधर ही बैठेंगे? हाँ, हाँ। बराबर, तो मैं इधर बैठता हूँ, आप इधर। बराबर। जेठालाल जी, हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। आपके साले सुंदर को समझने में हमने गलती की थी और आपको भी भला बुरा कहा था, तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए। ये तो गलत है ना बिड़े भाई, हैं? ऐसी गलती करते हैं क्यों कि बाद में माफी मांगने की नौबत आए? हैं? अभी आप इतना भाव क्यों खाते हो? जीवन में पहली बार किसी ने माफ करने का मौका दिया है, वरना आप तो माफी ही मांगते रहते हो। कम ऑन जीठा जी, अब माफी कर दीजिए। चलो आपके लिए सबको माफ कर दिया बस। थैंक यू जेठालाल जी। माधवी दीदी ना अंडे थे। हाँ, ये गाजर का हलवा बनाया है आपके लिए, आपको पसंद है ना? अरे हाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? और मेरा ये केक। अरे बबीता जी आप केक लेकर आए, वाह वाह। जेठालाल जी हम थोड़ा और ज्यादा पैसा लेकर आया है। क्यों? हाँ जेठालाल जी, दरअसल मैं भी कुछ पैसे लाया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, ये पैसा बबीता जी ये लोग क्यों लेकर आए? दरअसल हम चाहते हैं कि आप अपने साले सुंदर को कहकर हमारे पैसे किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दे। आप पर अभी सुंदर तो क्या है, निकल चुका है, अहमदाबाद पहुंच भी गया है, तो मैं उसको बात करूंगा। हाँ अगर वो कहता है कि ऐसा कोई और स्कीम है तो मैं आपसे पैसे लेके उसको भिजवा दूंगा। हाँ? लेकिन ये गाजर का हलवा जरूर खाना और बताना कैसे हुआ है। बिल्कुल। और मेरा ये केक भी खाइएगा प्लीज। आपके हाथ की बनी केक मैं ना खाऊं ऐसा हो सकता है बबीता जी? ये मैंने नहीं बनाया है। तो किसने बनाया? अय्यर ने। यह केक मैंने अपने हाथों से बनाया है जेठालाल जी। ओ ओ।
जेठालाल जी तो हमें इजाजत दीजिए। अरे अरे ऐसे क्या बात है जी। आपको बोलने की जरूरत है। अच्छा भिड़े बाप। अच्छा आप जरा बोल देना उनको, याद बेफिक्र हो आप, पक्का नहीं चाहिए आपको? अरे भाई मैंने बोला ना, वो बोलेगा तो। अच्छा बबीता जी। हाँ हाँ वो ठीक है, हाँ कन्फर्म, पर 7 दिसंबर नहीं, नहीं 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 वो पॉसिबल नहीं होगा। अरे 7 दिसंबर में बड़ौदा हूँ। अरे भाई भवंस कल्चरल सेंटर और चित्रलेखा मैगजीन दोनों मिलके वो गुजराती फुल लेंथ प्ले का कंपटीशन कर रहे हैं, तो मैं देखने नहीं जाऊंगा क्या? तो मुझे जाना पड़ेगा, 8 का रख लो कन्फर्म। ओके बाय। गोकुल धाम सोसाइटी में सब लोग सोच रहे थे कि सुंदर नुकसान करा देगा, पर सुंदर ने सबको 1-1 लाख रुपए का फायदा करा दिया और मिल गया औरतों को मौका शॉपिंग करने का। अंजलि को भी तो मौका मिल गया और शॉपिंग के लिए मायके चली गई। वैसे मुझे भी काम है ना, दो ही वक्त करने में मजा आता है, या यूं कहें कि काम करने का वक्त दो ही वक्त पे मिलता है, एक तो जब जब बीवी घर में ना हो और अगर हो तो टीवी के सामने हो। वैसे आज के जमाने में रोटी कपड़ा और मकान के साथ एक जरूरत और है, टेलीविजन, आपकी मेरी हम सब की। और अगर दया भाभी का टेलीविजन देखने का इंटरेस्ट हो तो मामला भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे खुद देख लीजिए। बहू चायला आई, बाजी आई। ये चाय है कि शरबत? ये कम शक्कर, ये कम शक्कर है। तूने जानबूझकर इसमें शक्कर ज्यादा डाली थी। तुझे मारना चाहिए। दया। नहीं मार। हुआ के नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे दया भी चीज़ है। आप ही कुछ कुछ समझाइए ना माँ जी को। मैं दया मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो तुम? और कितनी देर हो गया मेरा पैजामा? बस 2 मिनट। अरे नीचे से थोड़ी सी सिलाई निकल गई थी, 2-3 टाके मारने में इतनी देर लग रही है। अरे वो मोटर वाला मशीन वापरना, ये बाबा आदम के जमाने का हाथ मशीन क्यों वापर रही है? देखिए आप मशीन के बारे में कुछ मत बोलिए, ये मेरी माँ ने दिलाया है। तो मेरा पैजामा होगा कि नहीं? अरे क्या कब से पैजामा पैजामा कर रहे हो? आप जरा रूम में शांति से बैठिए, पैजामा होते ही आपको बुला लिया जाएगा। जाइए शांति से बैठिए। कब से कच कच टीवी तो देखने दीजिए। माँ जाने दो ना। माँ अच्छा जाने दो ना। हाँ माँ जाने देती हूँ। हाँ, हाँ। अरे दया फोन की घंटी बज रही है। दया फोन की घंटी बज रही है कब से? तो आप बात करो ना। टीवी हेलो। हाँ बाबू जी कर दीजिए। बाजी आप पहुंच गए कहाँ? निकल का ना यहाँ से। अच्छा अच्छा रास्ते में बोलो। बापूजी को बोला था गांव पहुंचते ही फोन कर देना, तो मैं गांव पहुंच गया, इतना बोल के फोन रख दिया। निकल यहाँ से निकल। दया अरे दया कब होगा मेरा पैजामा? बस 2 मिनट। मेरी 2 सीरियल अबला बजाएगी तबला और मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी, ये देख लो ना तब तक हो जाएगा। 2 सीरियल मतलब 1 घंटे के बाद? अरे नहीं अभी हो जाएगा, मैं दोनों सीरियल साथ में देखती हूँ। कैसे? देखिए 1 सीरियल चल रही है, फिर उसमें ब्रेक आएगा ना तब मैं दूसरी सीरियल देखूंगी। फिर उसमें ब्रेक आएगा तो मैं फिर पहली वाली सीरियल देखूंगी। और आपको पता है आज तो मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी, मैं सुमन की सास उसको घर से निकालने वाली है और फिर उसका ही किडनैप करवाने वाली है। अच्छा हाँ। खाना मिलेगा? सुमन की सास बहुत खड़ूस है,
लगता है वो सुमन को खाना नहीं देगी। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये जेठालाल को खाना मिलेगा क्या? नहीं हाँ हाँ दूंगी ना, वहाँ सामने तो टेबल पर रखा है, खा लो। लो निकल यहाँ से, निकल। बाजी ना आए, मैं याद रखूंगी। ये टीवी भगवान, टीवी टीवी टीवी, भूख लगी है। बोलो खाली प्लेट तैयार है, खाना किधर? मम्मी आगे से बचे। मम्मी जल्दी खाना दो ना, बहुत भूख लगी है और होमवर्क भी बाकी है। हाँ 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 मम्मी जल्दी दो ना, परसों का भी होमवर्क बाकी है। परसों का? तो आज का कभी करेगा? परसों। ये परसों वाली, अगर ऐसा ही करता रहा ना तो फेल हो जाएगा तू। अरे पापा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे स्कूल में कभी कभी होमवर्क चेक नहीं करते। ऐसी कैसी स्कूल है तेरी भाई, तू रोज स्कूल ही जाता है ना कि स्कूल के नाम पे कहीं और? ये देख तेरा बेटा क्या बोल रहा है। अरे आप ये देखिए, ये पायजामा फटाफट तैयार हो गया। हाँ। अरे आपने जल्दी खा लिया? ए खा लिया वाड़ी, उधर तो देख खाली प्लेट रेडी है, खाना किधर है? अरे हाँ खाना तो मैंने किचन में रखा है, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या नीचे से पूरा सिल दिया? अरे हाँ मैंने तो पूरी सिलाई ही कर दी। ए हंस मत, ये सब तेरे टीवी की वजह से हुआ है। मेरा बस चले ना तो ये सारी टीवी सीरियल बंद करवा दूँ। तो पापा आपकी टीवी की दुकान भी बंद हो जाएगी। चुप रहे। देखिए आप मेरी टीवी सीरियल के बारे में कुछ भी कहेंगे ना तो खबरदार। अरे पापा दूसरा पैर तो डालिए। कल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ ना। हाँ यार सीरियसली, कल के एपिसोड में सुमन की सास ने उसको घर से निकाल दिया और आज उसकी सास वाइडी बिचारी अभागत सुमन का किडनैप करवाने वाली है। मैं तो कहती हूँ उसकी सास की याददाश्त ही चली जाए। अरे और मैं तो कहती हूँ उसकी सास का किडनैप भी हो जाए। और किडनैप पर भाई माधवी बहन का आचार पापड़ खिला खिला कर कोमल बहन से भी ज्यादा मोटी कर दे। Excuse me? Sorry, बहन। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, सीरियल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ? अरे आज रात को तो मेरे मामा और मामी आने वाले थे लेकिन मैंने उनको कह दिया आना हो तो संडे को ही आना। अरे मैं तो कहती हूँ ये मामी ही वैम्प है। हाँ हको भाई, क्या आपको मेरी मामी वैम्प लगती है? अरे अरे बबीता जी बताइए मेरी मामी ने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए। अरे मैं आपकी नहीं, वो सीरियल वाली सुमन की मामी की बात कर रही हूँ। मुझे भी यही लगता है कि सुमन की सास और वो सुमन की मामी मिली हुई है, मास्टरमाइंड वही लगती। नहीं सुमन की मामी अच्छी ही होगी। ये बात आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? सीधी बात है, मेरी मामी का नाम चंद्रकांता है, मेरी मामी बहुत अच्छी है बराबर। सुमन की मामी का नाम भी चंद्रकांता है तो सुमन की मामी अच्छी होगी। अब जो भी हो आज का एपिसोड तो देखना ही है। हाँ। देखते हैं सुमन का किडनैप होता है कि नहीं। हो गया। आई बाजी आई। ये कम शक्कर,
ये कम से कर है। अरे ये तो कल वाला एपिसोड है। चक्कर डाल दी। नहीं माँ जी। तू मुझे मारना चाहती है? नहीं माँ जी, मुझे नहीं। पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। खड़ी रह चल। निकल यहाँ से, निकल। माजी, मैं आईंदा याद रखूंगी। इंडिया सिने एम्प्लॉयज के फेडरेशन और प्रोड्यूसर्स के बीच विवाद होने के कारण हम आपको नए प्रोग्राम नहीं दिखा पाएंगे। निकल जानू। और उसके लिए हमें खेद है।